रोची बैंक यूथ क्लब निरंतर इस विकट स्थिति में भी जरूरतमंदों के बीच दो वक्त का भोजन बांट रही है। रोची बैंक यूथ क्लब का एक ही है सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। आज भी दोपहर में संजय शिकारिया जी के यहाँ से सभी सदस्य ने खाना उठाकर स्टेशन परिसर में वितरण किया। साथ ही आज हम लोगों को ऋतु श्रीवास्तव जी स्वर्गीय पिताजी की याद में 200 जरूरतमंदों के लिए भोजन दिया गया, जिसे भी सदस्यों ने रात्रि में स्टेशन परिसर में बांटा। रोटी बैंक यूथ क्लब हर संभव जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करने के लिए हर एक सदस्य अपनी लगन और मेहनत से पूरा कर रही है। रोटी बैंक यूथ क्लब का मकसद है अन्न की बर्बादी को रोकना और इसे जरूरतमंद भूखमरी मुक्त देश बनाना। इस मुहिम में पूरा धनबाद वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस महामारी में रोटी बैंक यूथ क्लब निरंतर बिना किसी रुकावट के प्रथम लॉकडाउन से अब तक दो वक्त का भोजन बांट रही है। रोटी बैंक यूथ क्लब परिवार आप सभी से निवेदन करती है कि आप सभी हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग और ज़रूरतमंदों तक पहुँचकर उनकी मदद कर सकें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आप सभी रोटी बैंक यूथ क्लब के माध्यम से जुड़कर पुण्य का भागी बने। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल निकालकर इनके बीच आकर इनके बीच बिताएं। रोटी बैंक यूथ क्लब की इस कार्य को पूरा करने के लिए सभी सदस्यों का अहम योगदान रहा है। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रविशेखर, जयप्रकाश, पार्थो मोइत्रा, स्वप्ना मोइत्रा, संजीव दत्ता, महुआ दत्ता, रॉबिन चैटर्जी, राजेश ठाकुर, रितेश, ऋषव, अरुण कुमार दास, कल्याण दास, शरवणी दास और विश्वजीत ने अपना योगदान दिया। प्रतिदिन की तरह आज भी हमारी रोटी बैंक यूथ क्लब की टीम ने जरूरतमंदों के बीच में स्टेशन पे, रंगाटा और रोड पे जितने भी और फुटपाथ पे जो भी गरीब और जो भी भूखे लोग मिले उनके बीच में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। आज का जो हमें खाना मिला था दो जगह से मिला था, जो दिन में सुमित्रा अपार्टमेंट से मिला था जिसको दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। रात्रि में हमें जो खाना मिला था वो ऋतु श्रीवास्तव जी के तरफ से मिला था, उनके पिता कृष्ण कुमार शुक्ला जी के तरफ से, उनका आज याद में उनकी बेटी के तरफ से खाना मिला था जो स्टेशन परिसर पर डिस्ट्रीब्यूट।